हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में फाइनली जुट गए होंगे। आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार के द्वारा सातवें चरण की शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं तो उस पर फाइनली मोहर लगा दिया गया है। इसके बाद से पूरे बिहार में एक खुशी का माहौल दौड़ पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा है और बहुत सारे छात्र जो है कि बेरोजगार बिहार में बैठे हुए हैं, जिसके वजह से अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी उनके लिए काफ़ी सुखद अनुभूति करा रही है। तो मैं उसी पे आज बात करने वाला हूं और आप लोगों को ये बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि आखिर इसका सिलेबस क्या हो सकता है या इसका एज क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सिलेबस क्या होगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप जो है कि सही तरीके से सही डायरेक्शन में अपने पढ़ाई को अंजाम नहीं दे पाते हैं, तो आपके पास जो है कि सिलेबस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग सीधे बात करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि सातवें चरण बहाली, अगर मैं बात करूँ, शिक्षक भर्ती 2023 यानी कि बिहार सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है, फाइनल मोहर लगा दिया गया है। इसको हम लोग जो है कि बिहार सुपर टेट भी कह रहे हैं, यानी कि 2023 इसका अगर मैं बात करूं कि इसका पेपर कब होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर तो एक फैक्टर निकल के आ रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा आगे चलकर। पहला कि एक सबसे बड़ा इशू क्या है, तो एज फैक्टर। देखिए, प्राथमिक प्लस माध्यमिक विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो है कि 18 का क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम का, लेकिन मैक्सिमम का अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। और आइडेंटिफाई अगर किया जाता है, बाय द वे मान लेते हैं कि अगर 30 साल रखा जाता है, 35 साल रखा जाता है, जैसे DSSB में होता है, तो बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पर छात्रों को धक्का लगने वाला है, लेकिन ऐसा होने का कम चांसेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम 18 है, लेकिन यहाँ पर जो है कि मैक्सिमम अभी तक बताया नहीं गया है और नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलेगा। माध्यमिक प्लस ऊंच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 21 साल मिनिमम रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम अभी तक पता नहीं है, वो नोटिफिकेशन के साथ ही आपका। तो सबसे बड़ा जो सवाल है हमारा यही है। इसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि क्या जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं पहले से बिहार में, या अगर मैं बात करूँ बीटेट पास कैंडिडेट हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक के क्राइटेरिया में, यानी कि अभी तक जो पेपर में नोटिफिकेशन आया है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें अभी तक ऐसा कोई बात नहीं कही गई है कि उनको जो है कि फाइनल मौका दिया जाएगा, उनको जो है कि फिर से पेपर देना पड़ेगा, ऐसा पूरा आसार दिख रहा है। तो वैसे कैंडिडेट जो बीटेट या सीटेट पास किए हैं, अगर मैं बात करूं इस बार अगर सुपर टेट होता है तो उन्हें सुपर टेट का पेपर देना ही पड़ेगा और यहां पर मैक्सिमम मार्किंग आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी कि एस टेट अगर आप देते हैं तो यहां पर जो है कि मैक्सिमम आपको मार्क्स जो है कि लाना पड़ेगा, और मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे तभी जो है कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से जो है कि काफ़ी यहाँ पर टकराव होगा, यानी कि कट ऑफ जाने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आइए समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। नया बदलाव क्या हुआ है, तो देखिए, नया बदलाव की अगर मैं बात करूं तो पहले जो ये भर्ती लेती थी वो स्थानीय निकाय के माध्यम से लिया जाता था, अब स्थानीय निकाय को यहां पर फाइनली जो है कि हटा दिया गया है। और BPSC जो है, आप लोग जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की अगर मैं बात करूं, उसके द्वारा जो है कि ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो फाइनली जो है कि इस पेपर में देखने को आपको कम धांधली मिल सकती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर पेपर कराएगी तो पेपर का लेवल भी उसी हिसाब से सेट करेगी, तो यहाँ पर धांधली का कम चांसेस दिखेगा। देखिए, धांधली की अगर मैं बात करूँ तो धांधली होता ही है हर पेपर में, 10% आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट के पेपर में इस बार जो है कि धांधली हुआ है, तो ये तो जो है कि राज्य का पेपर है तो यहाँ पर तो धांधली होना अनिवार्य है, लेकिन 10% मान लेते हैं कि धांधली हो रहा है, फिर भी 90% सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं, तो BPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, तो काफ़ी अच्छा जो है कि होगा ये। तो ये नया बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। अब इसके एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आप लोग जानते हैं कि वैसे छात्र की अगर मैं बात करूं जिन्होंने BEd पास किया है, BTC और DLL पास किया हुआ है, उनके लिए अगर वो सीटेट बीटेट में से कोई पास है तो वो इस वैकेंसी के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे और वो सुपर टेट में आसानी से बैठ सकते हैं।
ठीक है। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर कोई मानक सिलेबस अभी तक नहीं आया है, मानक सिलेबस अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश टेट होता है, अगर मैं बात करूं टेट नहीं यहां पर सुपर टेट की अगर मैं बात करूं, तो सुपर टेट की जो हमारे पास सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर जो है कि हम मान के चल रहे हैं कि बिहार आपका स्टेट होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए अगर मैं भाषा की यहाँ पर बात करूँ तो भाषा में हिंदी है आपका, इंग्लिश है और संस्कृत है, तो ये तीनों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स के यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट का ये पूरा सिलेबस है, यही मान के चलते हैं कि यही सेम सिलेबस आपका बिहार सुपर टेट में होगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 20 नंबर हिंदी की आती है, 10 नंबर इंग्लिश का और संस्कृत का 10, यानी कि टोटल आपका 40 मार्क्स यहाँ पर आता है। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो 20 मार्किंग की आती है, विज्ञान की मैं बात करूँ 10 मार्किंग की आती है, इन्वायरमेंट और सोशल स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है कि 10 मार्किंग की आती है, टीचिंग मेथडोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, शिक्षण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10 मार्किंग की आती है, बाल मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो आपका जो है कि 10 मार्किंग का यहां पर आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्किंग के, जीके और सीएस की मैं बात करूं करंट अफेयर दोनों मिला के आपका 30 मार्किंग का आता है यहां पर, लॉजिकल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का आता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं 5 मार्क्स का आता है, और लाइफ स्किल की अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट एंड क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी 5 मार्क्स का आता है, यानी कि टोटल आपके जो है कि 150 मार्किंग का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पर और टोटल 150 मार्किंग होता है। इसके लिए जो टाइमिंग मिलता है उसकी अगर मैं बात करूं कि टाइमिंग क्या मिलता है तो 150 मिनट का आपका पूरा टाइमिंग मिलता है, करीब करीब आपका 2.5 घंटा के आसपास का टाइमिंग मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो उसको हम लोग देख लेंगे कि क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो बदलाव हम आपको जो है कि एक वीडियो के माध्यम से जो है कि आपको सूचित कर देंगे कि क्या बदलाव हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो सिलेबस यहीं आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं कभी आप लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को जिस दिन अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है मेरे दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।